गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको पादप वर्गीकरण में लाइकेन के विषय में बताएंगे। पादप वर्गीकरण में आपको लाइकेन के विषय में बताया जाएगा। यह लाइकेन जो होता है एक विशेष प्रकार का पौधा है और इसमें दो घटक होते हैं, जिसमें शैवाल घटक व कवक घटक पाया जाता है। शैवाल घटक को शैवलांश के नाम से जाना जाता है और कवक घटक को कवकांश के नाम से जाना जाता है। यह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीविता का एग्जाम्पल दिखलाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और कवक जल को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण के लिए शैवाल को प्रदान करता है। तो यह आपका ऐसा पौधा जिसमें कवक और शैवाल, कवकांश और शैवलांश दोनों के भाग पाए जाए, ऐसे सिम्बायोसिस सहजीवन को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ कवक जो होते हैं वो माइकोबांट और शैवाल जो होते हैं फाइकोबांट के नाम से भी जाने जाते हैं। कवक को माइकोबांट और शैवाल को फोटोबांट या फाइकोबांड के नाम से जाना जाता है। अब आता है बात ब्रायोफाइट्स पौधे का। अगली बात है ब्रायोफाइट पौधे का। यह जो ब्रायोफाइट भाग होते हैं यह आपका ब्रायो मींस होता है मांस और फाइट मींस होता है पौधा। इस विभाग में थायलोफाइट से अधिक विकसित पौधे आते हैं, फिलहाल ये भी टैलस होते हैं। इनका पादप शरीर जो होता है वह युग्मोद्भिदी होता है। इन पौधों में जाइलम और फ्लोएम सत्य पत्ती और तने का अभाव पाया जाता है, पत्त पत्ती तना और जड़ का अभाव पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम भी सत्य रूप से या उचित रूप से नहीं पाए। तो इस प्रकार से आप पाएंगे इनका पादप शरीर युग्मोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है। इन पौधों में जाइलम और पोषवा अर्थात फ्लोएम सत्य पत्ती तना जड़ का अभाव पाया जाता है, वास्तविक जड़ कह लीजिए नहीं पाई जाती है और जड़ों के स्थान पर जड़ के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे मूलाभास कहा जाता है, जिसे राजवाइट के नाम से या मूलाभास के नाम से जाना जाता है। अब आपको हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं ब्रायोफाइट्स को, जिसे पहला भाग होता है इसका लीवर वर्ड्स। पहला भाग है लीवर वर्ड्स और दूसरा भाग इसका होता है मासेस। मासेस तो चलिए पहले तो हम लीवर वर्ड किसे कहते हैं उनके विषय में जाने। जो लीवर वर्ड्स होते हैं इनमें पादप शरीर सुपाय से अधिक विकसित होता है किंतु मासेस से कम विकसित होता है और इन पौधों पर धागे के आकार के मूलाभास क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, जैसे मार्केंसिया और रिक्सिया। ये दो पौधे जो होते हैं ये लीवर वर्ट में रखे गए हैं। यह डार्सो वेंट्रल इनकी बॉडी होती है, डार्सल सरफेस ऊपर की तरफ और वेंट्रल सरफेस नीचे की तरफ पाया जाता है, बॉडी डार्सो वेंट्रली होती है। ये उसी चट्टान से चिपके पाए जाते हैं या नम गीले स्थान पे जहां भी उगते हैं उसी से चिपके पाए जाते हैं।
अगली बात है मासेस की। ये मास के पौधे नम मूलार पौधे होते हैं। इनके पादप शरीर मूलाभास असत्य तने एवं पत्ती में विभाजित रहता है और फ्यूमेरिया जो होता है ये फ्यूमेरिया मास का पौधा पाली ट्राइकम आदि के पौधे ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगले संघ के रूप में आपको पदस्थ के रूप में आपको पढ़ना है। इस ब्रायोफाइट के बाद आपको पढ़ना है टेरिडोफाइट के विषय में। चलिए अगवाई की जाती है टेरिडोफाइट। तो आप टेरिडोफाइट में फर्न के जैसे पौधे आते हैं। यहाँ पर पादप शरीर मुख्य रूप से बीजाणु उद्भिद होता है, जबकि ब्रायोफाइट में क्या था, आपका युग्मोद्भिद था, लेकिन यहाँ पे बीजाणु उद्भिद है और वास्तविक तना जड़ पत्ती यहाँ जो है यह उपस्थित होता है। वास्तविक जड़ तना पत्ती पाई जाती है। इन पौधों में संबंध ऊतक विकसित होता है। ये पौधे संवाहक ऊतक के साथ में आप उपोद्भिद कहलाते हैं। यह आपके वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, अर्थात संवहन ऊतक पाया जाएगा लेकिन पुष्प नहीं पाए जाएंगे और इनमें बीज का निर्माण और पुष्प का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जब पुष्प नहीं है तो बीज का बनना या फल का बनना नहीं है। और आपका फर्न हुआ, सिलेजिनेला हुआ, एक्सिटम हुआ, लाइकोपोडियम हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हैं इससे टेरिडोफाइट्स के। ये जमीन पर रेंग करके चलने वाले पौधे होते हैं, जमीन को पकड़ के और बीच बीच में ऐसे स्ट्रेट कहीं कहीं खड़े होते हैं। अब अगला आपका होगा पुष्पोद्भिद पौधा। अगले लेसन के रूप में क्या अगला जो टॉपिक होगा आपका वह होगा पुष्पोद्भिद पौधा, जिसे आप इंग्लिश में फाइनोगैम्स कहते हैं। यह उच्च कुल के पौधे हैं, इनमें पुष्प पाया जाता है और पुष्पोद्भिद पौधे में आपको अनावृत बीजी पौधा और आवृत बीजी पौधे के विषय में पढ़ना है। तो यह पुष्पोद्भिद पौधे के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इन बातों को आप तब तक सीखते रहिए।